देखिए जो हमारी बालू शाही मुकम्मल हो चुकी है, इसको मैंने प्लेट में निकाल ली है। अभी ये देखिए मैंने खोपरे का बुरादा लेके उसको कलर दिया था ग्रीन वाला, ये इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं खूबसूरती के लिए, इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और खूबसूरती भी इसकी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर आज हम लोग बनाएंगे बालू शाही। उसके लिए मैंने लिया 250 ग्राम मैदा, उसके अंदर डाला मैं पिंच नमक डाल रहा हूँ मैं, और इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल रहा हूँ मैं 3/4 चम्मच, और उसके बाद इसके अंदर डालूँ, इनको मिक्स कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। इसके बाद इसके अंदर डालूँगा मैं घी। घी मैंने लिया है तकरीबन 100 ग्राम मैंने घी लिया, तो घी के साथ ही ये हमारा जो है ना ये बनेगा बालू शाही। तो बाजार वाले जो बनाते हैं इसमें वो केमिकल डालते हैं जिससे वो उनकी बालू शाही जो है ना वो फूटती है और बनती है बड़ी बड़ी। तो मैं उसकी जगह के ऊपर अमोनिया उसको कहते हैं, मैं उसकी जगह पर घी डाल रहा हूँ। घी डालने से भी हमारी जो ये डो बनेगी बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारी डो जो है ना कितनी ज़बरदस्त बन रही है। अभी इसके मैं अंदर डालूँगा रेड कलर, चंद ड्रॉप इसके अंदर डाल देता हूँ मैं। इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। अभी इसके अंदर डालूंगा थोड़ा सा पानी, ऐसे ज़रूरत पानी हल्का सा गर्म लेना है, ठंडा नहीं लेना पानी। हमारी डो बन चुकी है। डो हम लोगों ने जो बनानी है उसको स्मूथ नहीं बनाना, जैसे है वैसे इसको रहने देना, क्योंकि इसके अंदर जो लाइनें बनेंगी जो इसके अंदर ग्रूव बनेंगे वो इसी से बनेंगे। तो ऐसे लेके हम लोगों ने ऐसे हल्का सा गोल करने के बाद इसको थोड़ा सा दबा लें, दबाने के बाद इसके सेंटर में एक होल कर दें, आर पार होल कर लें, या आर पार नहीं भी होगा तो तभी चलेगा, ठीक है। ये देखिए जी हमारी बालू शाही बन गई, ऐसे बना के प्लेट में रखते जाते हैं। ये देखिए जी हमारी बालू शाही मुकम्मल हो चुकी है। अभी इसको ऑयल में डालते हैं। ये मैंने ऑयल ऊपर रखा हुआ था, ऑयल ज़्यादा गर्म ही होना चाहिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, मैंने नीचे उतार लिया था, बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। ये देखिए ना ऐसे बिल्कुल स्लो इसमें डाल देते हैं, ये कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकनी चाहिए, तो फिर ये अंदर तक पकेंगे। तो ये जो बालू शाही है ये इसको ना ये देखिए इसमें क्रैक्स हैं, टूटी हुई है, तो ये ऐसे ही रखनी है, इनको बिल्कुल फिनिशिंग में नहीं लेके आना। अगर फिनिशिंग में लेके आएंगे तो अंदर से ये पकेंगी नहीं। ये देखिए सारी की सारी मैंने बनाई है, इसके अंदर डाल देता हूँ, बिल्कुल स्लो आग पे पकाना है इसको 20 मिनट के। जी हमारे जो बालू शाही बना रहे हैं उसकी एक साइड मैंने चेंज कर दी है, दूसरी साइड चेंज कर रहा हूँ अभी मैं। एक साइड हमारी पक गई है तकरीबन, तो इसको बहुत स्लो फ्लेम पे पकाना है, नहीं तो ये पकेंगी नहीं, अंदर से नहीं पकेंगी। ये 10 मिनट हो गया तकरीबन एक साइड को पकते हुए, अब ये दूसरी साइड भी 10 मिनट तक पक गए, तो इन शाला तरह हमारी ये बालू शाही पक जाएंगी। ये देखिए जो बालू शाही के लिए मैंने लिया है पानी लिया है, आधा कप पानी लिया है, उसके अंदर मैं 200 ग्राम चीनी डाल रहा हूँ शीरा बनाने के लिए। ये शीरा हम लोग बना रहे जब चीनी पिघल जाएगी तो उसके बाद हम लोगों ने इसके देखना है एक तार की हम लोगों ने चाशनी बनानी, बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। देखिए जी जो हम लोग चाशनी बना रहे थे बालू शाही के लिए वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको सिर्फ ये देखना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें हल्की सी इसमें हल्की सी देखें हल्की सी तार बननी चाहिए, ठीक है, हल्की सी तार वाली हम लोगों ने बनानी है, ठीक। ये बन गई है, अभी बालू शाही भी चेक करते हैं। बालू शाही भी बन चुके हैं, इनको 22-23 मिनट हो गए थे कि बनते हुए दोनों तरफ से। ये देखिए इसकी निशानी ये, ये जिधर ऑयल ज़्यादा ये स्विमिंग कर रहे हैं, ये देखिए तैर रहे हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए देख रहे हैं, इसका मतलब जिसको मजीद उठा के लिए वो तैर रहा है, बन गए। अभी इनको निकाल लेते हैं। बालू शाही मैंने एक बॉल में निकाल ली है, अभी इसके ऊपर शीरा डाल देते हैं। शीरा गर्म गर्म इसके ऊपर डालना है, बालू शाही भी गर्म गर्म है, शीरा भी गर्म गर्म है। तो इसको इसके अंदर भिगो के रखना है कम से कम 20 से 25 मिनट तक। ये देखें कैसे चूसना शुरू कर दिया इन्होंने, इस सारे का सारा शीरा ये चूस लेंगी। इसको थोड़ी देर बाद फिर मैं ना नीचे वाले के ऊपर वाले के नीचे कर दूंगा, उलट पलट कर दूंगा ताकि शीरा इनके अंदर चला जाए।
ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बालूशाही मुकम्मल हो चुकी है। अभी इसको मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाता हूँ। देखिए जी हमारी बालूशाही मुकम्मल हो चुकी है, इसको मैंने प्लेट में निकाल ली है। अभी ये देखिए मैंने खोपरे का बुरादा लेके उसको कलर दिया था ग्रीन वाला, ये इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं खूबसूरती के लिए, इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और खूबसूरती भी इसकी हो जाएगी। ये देखिए जी हमारी बालूशाही अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है, इसके ऊपर मैंने डेकोरेट भी इसको कर दिया है कोकोनट को ग्रीन कलर देने के बाद। आप भी ये रेसिपी घर पर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है। मेरा जो तरीका कार है स्टेप बाई स्टेप आप फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आप भी घर में ज़बरदस्त बनाएंगे। और ये तकरीबन 250 ग्राम मैंने मैदा लिया, उसकी आधा किलो से ज़्यादा बनी है ये हमारी, ठीक है जी। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।